तो दोस्तों, मैं हूँ आपका राहुल लड़िक, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है KTM ड्यूक 490 की मैं बात करता हूँ। तो यार, ये जो बाइक है ये अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, लेकिन अभी ऐसा है कि जैसे कि तुम लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तक तो ये बाइक लॉन्च हो जाती, लेकिन ऐसा है कि कंपनी के पास, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को पता है इस टाइम पे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बाइक अभी इस टाइम पे लेगा। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर आने वाली है और क्या क्या आपको मिलेगा इस बाइक के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बाइक के लुक के बारे में, तो आपको जो इस बाइक का लुक है वो आपको मिलेगा ड्यूक 390 की तरह ही आपको लुक मिलेगा, लेकिन ये जो बाइक है ये आपको थोड़ी बल्की लुक में मिलेगी। जैसे कि अगर देखा जाए तो पेट्रोल टैंक में जो काउल होगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा के और उसको मतलब एक बल्की लुक देने के लिए उस पर ग्राफिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी करेंगे और एरोडायनामिक भी उसको बनाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर की टायर साइज़ की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 490cc की बाइक है तो इस बाइक का आप लोगों को टायर साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नरिंग के लिए ये बाइक अगर बंदा लेगा तो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका जो आपको फ्रंट का टायर मिलेगा वो मिलेगा 17x110 का, आपको इसका फ्रंट टायर मिलेगा, और रियल जो टायर मिलेगा 150x60 का आपको इसके अंदर टायर मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस बाइक के फ्रंट व्हील साइज़ की बात करी जाए, तो वो आपको मिलेगा 431.8mm का फ्रंट व्हील साइज़ मिलेगा, और वहीं पे अगर मैं रियल व्हील साइज़ की बात करूँ तो वो मिलेगा 431.8mm का, यानी कि दोनों का व्हील साइज़ सेम रहने वाला है, बस आपको वाइडनेस मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो व्हील आपको इसके अंदर अलॉय व्हील मिलेगी। इस बाइक का जो डिस्क ब्रेक होगा फ्रंट में, इसमें आपको डिस्क मिलेगा, और रियल में भी आपको इसके अंदर डिस्क ही मिलेगा। फ्रंट डिस्क की अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो वो मिलेगा आपको 320mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियल डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा 230mm का। टायर के हिसाब से देखी जाए तो काफ़ी अच्छा टायर है, और रियल टायर काफ़ी ज़्यादा वाइड रहने वाला है, यानी कॉर्नरिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा ये टायर। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है टायर साइज देख के कि इसका माइलेज इतना ज़्यादा कुछ खास निकलेगा नहीं, लेकिन खैर अब हम आगे बात करते हैं और चीज़ों की। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके अंदर हेडलाइट्स की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको फुल्ली LED लाइट्स मिल जाएगी, आपको टेल लाइट भी LED मिलेगी, या और आपको इसके अंदर जो इंडिकेटर्स होंगे वो भी आपको LED ही मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस बाइक के अंदर आपको लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाएगा, जो कि सही है कि आपको पता चल जाएगा कि कब आपकी बैटरी लो होने वाली है, आपको पहले ही बता देगी कि हाँ अब आपको चार्जिंग की ज़रूरत है। फ्यूल इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा, कि मतलब ये आपको बता देगी कि ये बाइक आपका कितना किलोमीटर रियल टाइम माइलेज भी आपको निकाल के दे देगी। अब मैं बात करता हूँ इस बाइक की डायमेंशन की, तो इस बाइक का डायमेंशन कैपेसिटी की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ी सी और बड़ी कर देते, 15 लीटर के आसपास कर देते तो काफ़ी अच्छा रहता। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस बाइक की हाइट की, तो इस बाइक की जो आपको साइडल हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको 830mm की, आपको इसकी हाइट मिलेगी, और ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 185mm की, जो कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो व्हील बेस है वो मिलेगा 1357 का आपको व्हील बेस मिलेगा, और टोटल इस बाइक का वेट होने वाला है, ड्राइव वेट की मैं बात करूँ तो 149kg का आपको इसके अंदर वेट मिल जाएगा। वहीं पे मेन चीज़ की अगर हम बात करें कि इस बाइक के अंदर आपको सस्पेंशन और चेसिस कैसी मिलने वाली है, तो इस बाइक के अंदर आपको जो ये बाइक होगी एक नेकेड स्पोर्ट बाइक होगी, और इसका जो फ्रंट सस्पेंशन होगा वो होगा अपसाइड डाउन का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह हर अपनी कंपनी मतलब KTM अपनी हर बाइक में अपसाइड डाउन है ही उस शॉकर्स देती है, और रियल में आपको मिलेगा मोनोशॉकर सस्पेंशन। इस बाइक के अंदर आपको ग्राफिक काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, तो खैर स्टार्टिंग से ही क्वालिटी के मामले में तो ये बाइक कभी कॉम्प्रोमाइज़ करती ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर हमें फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, और फुल्ली आपको इसके अंदर TFT डिस्प्ले मिल जाएगी कंसोल में, यानी कि आपको फुल्ली TFT डिस्प्ले मिल जाएंगी, और आपको इसके अंदर एक क्लॉक भी आपको मिल जाएगा, जो कि पहले भी आता था, तो वो तो क्लॉक मिल जाएगा आपको इसके अंदर। RPM मीटर मिल जाएगा, रियल टाइम माइलेज भी पता चल जाएगी इस बाइक के अंदर कि आपको कितने की आपको माइलेज दे रही है। और अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के, अब हम बात करते हैं इस बाइक की मेन चीज़ के बारे में, वो है इसका इंजन। तो इसका जो इंजन है आपको 490cc का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा, सिंगल सिलेंडर आपको इसके अंदर इंजन मिलने वाला है। सोच रहा था मैं डुअल सिलेंडर होता तो अच्छा रहता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सिंगल सिलेंडर रहेगा, और 4 स्ट्रोक आपकी बाइक रहने वाली है।
आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बाइक की पावर क्या है। तो इस बाइक की जो आपको पावर मिलेगी वो मिलेगी 14.5 पीएस की पावर मिलेगी एट द रेट 9000 आरपीएम पर। और वहीं पे जो मैक्सिमम टॉर्क निकलने वाला है वो निकलने वाला है 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलने वाला है एट द रेट 7000 आरपीएम पर। इस बाइक के अंदर आपको लिक्विड कूल मिल जाएगा जो कि सही है कूलिंग के मामले में सबसे टॉप वेरिएंट पे यही रहता है। और ये जो बाइक है आपको फोर वॉल की आपको बाइक मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर आपको जो मिलेगा वो चैन ड्राइव मिलेगा, कोई बेल्ट ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ चैन ड्राइव का ही आपको ऑप्शन है क्योंकि इंडियन रोड्स पे चैन ड्राइव काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहती है। और वहीं पे बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको FI मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि इस बाइक के अंदर आपको गियर कितने मिले। तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड के गियर मिल जाएंगे। और वहीं पे एक बात करी जाए तो इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगा। जहाँ तक अभी तक मेरे पास न्यूज़ आ रही है कि इसके अंदर स्लीपर क्लच मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार 80% स्लीपर क्लच दे दे और 20% है कि ये मैनुअली क्लच रहेगा जैसे रहता है। खैर R15 में भी आप लोग देख रहे हो कि स्लीपर क्लच आ रहा है, तो फिर इसमें भी मुझे लग रहा है इस बार आ ही जाएगा स्लीपर क्लच। अब बात करते हैं इस बाइक का बोर कितना होने वाला। तो इस बाइक का जो आपको बोर मिलेगा वो मिलेगा 89mm का बोर मिलेगा और स्ट्रोक मिलेगा 60mm का। तभी इस बाइक के अंदर बोर की वजह से और स्ट्रोक की वजह से इस बाइक की पावर और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इस बाइक का टोटल ओवरऑल ये बाइक कितने प्राइस तक की मिलेगी। तो देखो यार, ये जो बाइक है आपको, आप मान के चलो कि ये जो बाइक है 4 लाख से स्टार्टिंग 4 लाख तक जाएगी और ऑन रोड जाते जाते ये आपकी पहुंच जाएगी 4.5 या 4.5 लाख तक के आसपास ये पहुंच जाएगी। बाइक काफ़ी सही रहने वाली है। बाइक के इंजन में मुझे, क्योंकि देखो पर्सनली अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इस बाइक को पसंद करूँ तो मुझे सिर्फ इंजन चाहिए होता है कि बाइक का इंजन बेस्ट होना चाहिए। बाकी लुक वुक तो हम खुद भी हमारे हाथ में होता, हम बना लेते हैं। बाकी इस बाइक के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये बाइक क्या सरवाइव कर पाती है इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर 490 और 500 सीसीज में बाइक लोग थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। लेकिन क्या पता कि ड्यूक का भी इस बार कुछ काम हो जाए, क्योंकि KTM ने अपनी 125 को भी काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छे तरीके से लॉन्च कर दिया था। पहले तो ये नहीं चली लेकिन बाद में अब थोड़ा अच्छा उसका काफ़ी अच्छा रेटिंग आ रहा है। तो अभी बाकी देखते, जब ये बाइक आएगी तो पता चलेगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारे यहाँ ख़राब करो क्योंकि हम सकता दिमाग में खराब करना। बड़े कौन चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करो।